हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित। आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे मेरो 500 mg टैबलेट के बारे में, इंजेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो मेरो 500 mg इंजेक्शन जो है दोस्तों, एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाया जाता है और इस इंजेक्शन में दोस्तों सॉल्ट कंटेनर मेरोपेनम 500 mg, ठीक है। इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग जो है दोस्तों गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण जो होता है हमारी बॉडी में उसको ठीक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मेरो 500 इंजेक्शन दोस्तों एक एंटीबायोटिक नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह बैक्टीरिया को मारकर काम करता है जो गंभीर संक्रमण का कारण बन सकता है। यह एक बहुमुखी दवा है जिसका उपयोग कई अलग अलग प्रकार के जीवाणु संक्रमणों जैसे फेफड़ों, पेट, मूत्रपथ, त्वचा, रक्त और हृदय के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। यह दवा आमतौर पर डॉक्टर या नर्स द्वारा आपको इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। मेरो 500 mg इंजेक्शन आमतौर पर आपको बहुत जल्दी बेहतर महसूस करवाना जो है शुरू कर देता है, लेकिन आपको इसे तब भी जारी रखना चाहिए जब आपको बेहतर महसूस करने लगे, तब कि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी बैक्टीरिया नष्ट हो गए हैं और प्रतिरोधी नहीं बन रहे हैं। तो ये थे दोस्तों इसका इंजेक्शन का लाभ। अगर इसके MRP की बात की जाए तो इसका MRP है दोस्तों 505 रुपये, ठीक है। एक इंजेक्शन का इसका MRP है 505 रुपये, ठीक है। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। अगर दोस्तों कुछ लोगों में सर दर्द, मतली, कब्ज, दस्त, नीमिया, उल्टी और दाने जैसे दुष्प्रभाव विकसित हो सकते हैं। यह दुष्प्रभाव आमतौर पर अस्थायी होते हैं और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठा लेता है यह ख़त्म हो जाते हैं। यदि यह दुष्प्रभाव आपको परेशान करते हैं या दूर नहीं होते तो अपने डॉक्टर से जरूर परामर्श करना चाहिए। यदि आपको मिर्गी, दौरे, लीवर या किडनी की समस्या या आपको किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो इस दवा से इलाज शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। इसको उपयोग करते समय आपको अपने रक्त कोशिका गिनती और गुर्दों की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए रक्त परीक्षण की सलाह दी जा सकती है। यदि डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया हो तो इस दवा का आमतौर पर गर्भावस्था और स्तनपान में उपयोग करना सुरक्षित माना जाता है। अगर सामान्य दोस्तों दुष्प्रभाव की साइड इफेक्ट्स की बात की जाए तो वो है दोस्तों खरोंच, सरदर्द, उल्टी आना, जी मचलना, खुजली, दस्त, इंजेक्शन वाली जगह पर सूजन होना या लाल पड़ना जगह का, कब्ज और झटका वगैरह और सांस लेने में कठिनाई वगैरह, जो कुछ साइड इफेक्ट जो हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर ये साइड इफेक्ट हमें लंबे समय तक परेशान करें तो हमें अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की जानकारी जो है समझ आ गई होगी कि मेरो 500 mg इंजेक्शन का क्या उपयोग है, क्या इसका साइड इफेक्ट है, वो मैंने आपको बता दी है। तो वीडियो को दोस्तों जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।